मेरी वीडियो वायरल कैसे होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन सभी के मन में ऊपर आता है कि अरे यार मेरी वीडियो यूट्यूब पे वायरल कैसे होगी, कैसे यूट्यूब अपने यूट्यूब वीडियोस को वायरल करे यूट्यूब पर, या फिर अपने वीडियोस को वायरल करने का क्या ट्रिक होता है, कैसे लोग अपने बड़े बड़े क्रिएटर अपने वीडियो को पूरे वीडियो को वायरल कर सकते हैं। दोस्तों इसी के बारे में आज वीडियो होने वाली है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर कि वायरल करने का तरीका क्या होता है, वीडियो वायरल कैसे होती है, और खास कि मेरी वीडियो वायरल कब हुई थी और मेरी वीडियो वायरल कैसे हुई थी, और हर मेरी वीडियो अभी तक वायरल क्यों नहीं जा रही हैं, इसी पे आज पूरे मैं एल्गोरिथम बताने वाला हूँ कि यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या है, कैसे यूट्यूब काम करता है और किस तरीके से यूट्यूब पर आप अपने वीडियो को अपलोड करके वायरल कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अरे कि यूट्यूब का कुछ एक ऐसा एल्गोरिथम को वायरल करता है, जैसे कभी माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल चलता है, कभी ब्लॉग चलता है, कभी टेक्निकल वीडियो चलते हैं, कभी कुछ और चलता है। दोस्तों ऐसे में कई टॉपिक पे वीडियो वायरल होते रहते हैं और लोग इसी टॉपिक पे वीडियो मानते हैं एक साथ ही कि मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कभी कई कई पर्सन के चांसेस बहुत होते हैं वायरल हो जाते हैं, कई लोगों के वीडियो वायरल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर लगता है आपको कि हमारा वीडियो ऐसा चल जाएगा, दोस्तों ऐसा कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हैं और जिस वजह से आपको वीडियो वायरल होता है। और खास करके आपका मिस्टेक कहाँ होता है, आपके चैनल में ही मिस्टेक होता है। जैसा कि मैंने अभी वाई टी स्टूडियो खोल लिया है, वाई टी स्टूडियो में देखिएगा कि जैसे कि मैंने वाई टी स्टूडियो खोला, यहाँ पे एनालिस्टिक आप देखिएगा, इस एनालिस्टिक में आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं पर्सन पे कि पूरे डब आप कंटेंट रहता है। कंटेंट की डेस्कटॉप खोलिएगा तो यहाँ पे आपको एनालिस्टिक खोलिएगा, एनालिस्टिक दिखेगा, कहीं कंटेंट सजेशन दिखता है, आपका ऑडियंस रिच दिखेगा, वहाँ पे आपको दिखाई देता है कैसे ऑडियंस रिच कहाँ कहाँ से मिल रहा है। जैसे मैं देख सकता हूँ कि मैंने काफ़ी समय पहले पारा शिक्षकों पे न्यूज पर वीडियो बना रहा था और उस पर काफ़ी सारे वीडियो बनाए भी हैं। दोस्तों वैसे अगर आज मैं टेक्निकल वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कई सारे दोस्त और कई सारे फ्रेंड्स बोले कि आप टेक्निकल वीडियो बनाइए ताकि हम लोग भी चैनल अपना क्रिएट कर सकें, तो मैं दोस्तों मैं अब चैनल क्रिएट चैनल बनाने देने लगा हूँ आपके लिए, आप सबके लिए नया नया वीडियो बना रहा हूँ टेक्निकल पे। दोस्तों बता दें कि अब जो मेरी वीडियो है आप सजेस्ट कहाँ कर रही हैं, वो सिर्फ उन लोगों को सजेस्ट कर रही हैं जहाँ जो वीडियो मेरे पहले चल रही थी, जहाँ पर मेरे पहले जो भी वीडियो सजेस्ट की गई थी उसी अभी वीडियो में सजेस्ट हो रही हैं। आपको बता दें कि वीडियो सजेस्ट होने का मतलब ये है कि अगर आपके व्यूअर कहाँ से आ रहे हैं, आपके ऑडियंस कहाँ से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे ऑडियंस जो हैं अभी अधिकतर न्यूज़ चैनल वाले ही मेरे वीडियोस को देखते हैं अभी भी, और वहीं पे मेरी ऑडियंस रुकी हुई है, और वहीं से दोस्तों मेरी ऑडियंस आ रही है, जिसकी वजह से आज पूरे मेरे चैनल पर अभी व्यूज आने का कारण यही है नहीं है कारण यही है कि मेरे जो भी वीडियो हैं वो सब वीडियो सभी मेरे कंटेंट न्यूज के ऑडियंस पे चल रहे हैं, न्यूज कैटेगरी के लेवल पे जा रहे हैं। देखिए मैंने कैटेगरी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज करने के बावजूद भी आज मेरे जो भी एल्गोरिथम चल रहा है वो पूरा अभी न्यूज के पे चल रहा है। इसी तरह आपके भी चैनल पे कहीं भी कोई भी वीडियो चल रही है और देखिए उसमें किस कंटेंट के लिए किस ऑडियंस के थ्रू आए, आपके बीच कहाँ से आया है और उसके ऑडियंस कौन सा काम किया है, तो उस ऑडियंस को पकड़िए आप। अगर आपके ऑडियंस से अगर टेक्निकल के हैं, रिच के हैं, टेक्निकल के हैं, ब्लॉग्स के हैं, आपके किचन के हैं, गेमिंग के हैं, बहुत सारे कैटेगरी हैं, अगर किस कैटेगरी में कहीं भी आपके ऑडियंस आते हैं, आपके वीडियो के रिलेटेड कैटेगरी में आते हैं, तो आप उस कैटेगरी में वीडियो बना करके बनाइए, आपकी वीडियो 100% चलने वाली है। अगर दोस्तों अगर मैं अभी तक टेक्निकल वीडियो बना रहा हूँ और इसमें कम से कम 10-15 व्यूज आने वाले हैं जहाँ तक मेरी उम्मीद है, लेकिन आपको बता दें कि अगर मैं अभी पारा शिक्षक या फिर न्यूज पर उतर जाऊँ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे 1,500-2,000 व्यूज 100% कहीं ना कहीं हजार उससे अधिक व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे ऑलरेडी उसके सब्सक्राइबर हैं, उसकी ऑडियंस रिच मेरे पास पहुंची हुई है। लेकिन दोस्तों अभी टेक्निकल की जो क्या लाइन है उसमें ऑडियंस रिच नहीं है, ना ही ऑडियंस एक्टिवेटेड है, ना ही मेरे पास खास ज़्यादा ऑडियंस है। लेकिन जहाँ तक न्यूज का सवाल है, जहाँ तक पहले जो मैंने वीडियो बना रखा था और जो वीडियो मेरे चैनल पड़ी हुई है आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन उसके कहीं ना कहीं मेरे ऑडियंस अभी तक एक्टिवेट है, ऑडियंस आ रही है और वहीं पे मेरी वीडियो सजेस्ट की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप चैनल पे को चेक कर सकते हैं, अपने एनालिस्टिक को चेक कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि आपकी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही है, आपकी वीडियो वायरल नहीं होने का कारण क्या है। दोस्तों मुख्य कारण यही है कि आप अपने चैनल के एनालिस्टिक को एनालाइज कीजिए, कहाँ से ऑडियंस आ रही है, कहाँ से रीच जा रहा है, कहाँ इंप्रेशन जा रहा है, उसी को पकड़िए और उसी अनुसार से काम कीजिए। 100% है कि आपका वीडियो वायरल जरूर होगा।
दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सिस्टम जरूर अप्लाई कीजिएगा कि आपको वीडियो में क्या चीज़ मिस्टेक लगा और कहाँ पे आपको और भी कुछ सीखने को मिल सकता था। तो हमें कमेंट सिस्टम जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसे नए वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बने रहें। जय टेक्निक था, जय हिंद, वंदे मातरम।